पहले हमने देख लिया कि नियर पियर जो है क्या है, नियर पियर किस तरह से है। एक पूरी टीम है, एक इनका पूरा हेड ऑफिस है लाहौर में, इनका काफी बड़ा सेटअप है और इनके साथ काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं और फुल फ्लेज एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। और हम इनका अब एक विंग है, इनके बहुत सारे वेंचर्स में से एक वेंचर है इनका सीए का। और चूंकि ये बहुत ज्यादा वेंचर्स में ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो इस वक्त तक इनका पोर्टल और इनकी बाकी सारी चीजें बाकी सारे वेंचर से काफी ज्यादा बेहतर है। हमारा अपना भी ऑनलाइन एक आध सेटअप लाइव क्लासेस का है। इवन देन मतलब ये है कि हम हमेशा समझते हैं कि एट नियर पियर चीजें जिस क्वालिटी से डिलीवर होती हैं, जिस तरह से प्लान्ड होती हैं, जिस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं, उस चीज का कोई मैच नहीं है। मतलब हम लाइव क्लास में कुछ ना कुछ अपने तौर पे हम कहते हैं कि हम वो गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नियर पियर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ आता है। व्हेन इट कम्स टू मेथड एनरोलमेंट, तो शुरू से लेके एंड तक चीजें काफी बेहतर तरीके से होती हैं। अब नियर पियर डॉट ओ आर जी बेसिकली हम वैल्यू कैसे डिलीवर करते। सबसे पहले मैंने नमाज ब्रेक पे जाने से पहले पहले जो है वो आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि वैल्यू डिलीवर करने की यहाँ प्रेपोजिशन क्या है, हम चीजों को किस तरह से लेके चलते हैं, और देन फिर हम उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे कि हमारे इस दफा के कोर्सेज कौन कौन से हैं, हमारी ओरिएंटेशंस कब कब हो रही हैं, हमारी फीस क्या है, इस दफा के स्पेसिफिक पैकेजेस अगर स्टूडेंट्स के लिए हैं तो वो क्या है, और हम चीजों को किस तरह से लेके चलेंगे। तो एट नियर पियर वैल्यू किस तरह से डिलीवर होती है। सबसे पहले देयर इज अ वीकली स्केड्यूल टू बी फॉलोड। एक वीकली स्केड्यूल है जो आपने फॉलो करना होता है। मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स आपका पूरा कंटेंट आपको वीकली स्केड्यूल में डिवाइड करके देते हैं। जब आप पोर्टल पे आते हैं तो आपको पहले दिन से सारे लेक्चर्स की एक्सेस होती है। हम हर सेशन के एंड पे जो जो अपडेट्स आई होती हैं उसको बड़ी तेजी से अपडेट करके, और आपको जब अगला सेशन स्टार्ट हो रहा होता है तो उसको फुली अप टू डेट लेक्चर्स दे रहे होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जैसे टेक्स्ट वगैरह की चेंज है जिसमें बहुत मैसिव चेंजेस आई होती हैं, तो टीचर थ्रू आउट सेशन उस पर काम करते हैं टेंटेटिव टाइमलाइन से। तो होगा ये कि यहाँ जितनी भी ओरिएंटेशंस होंगी मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स आपके साथ एक वीकली स्केड्यूल या एक कैलेंडर सा शेयर करेंगे कि ये दीज आर द कंटेंट्स, आपने इस तरतीब से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने तौर पर हर वीक का आपको एक टारगेट बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं उस वीक में आपसे कब मिलूंगा और हम कब लाइव सेशन में उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो फ्रेमवर्क है रेगुलेट होता है एक वीकली स्केड्यूल के साथ, वो एक मास्टर प्लान होता है। 6 महीने का आपका मोटा मोटा टारगेट कि आपने 6 महीने तक ये कंटेंट्स को इस तरह से करना है। फिर क्या होता है, सबसे पहले कस्टमाइज वीडियो लेक्चर्स होते हैं, यानी कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड। अब अगेन मैं एक अच्छी राइटिंग जरूर लिखता, लेकिन बहरहाल आपकी किस्मत में नहीं थी अच्छी राइटिंग, मेरी वो डिवाइस अचानक से हैंग हो गई जिसमें एक अच्छे पेन के साथ में आ रहा था। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, यानी कि रादर देन के हम एक चलती हुई क्लास आपको उठा के दे दें, या इस तरह से करें कि जी टीचर कुछ और लोगों से बातचीत कर रहा है, सियासत पे बात कर रहा है, मजहब पे बात कर रहा है, और आप बैठे सुन रहे हैं कि पता नहीं पढ़ाई की बात कब होगी। हम लोग टू द पॉइंट छोटे छोटे से सेगमेंट्स में वीडियोस बना के आप तक शेयर करते हैं। ऑनलाइन की दुनिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो आपका अटेंशन स्पैम है वो बड़ा कम हो गया है, यानी कि लोग 6 मिनट 7 मिनट 10 मिनट से ऊपर बड़ा मुश्किल है कि स्क्रीन पे देख पाते हैं। आपको यूट्यूब की अगर 9 मिनट की वीडियो मिलती है आप समझते हैं बहुत बड़ी चीज है, आप उसे आगे कर करके देख रहे होते हैं। तो एजुकेशन में 1.5 घंटे का लेक्चर बर्दाश्त करना और खासतौर पर खुश्क सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसे कहते हैं दिस इज बिट साइज लर्निंग, कि हम आपकी जो कॉन्टेंट है उसको छोटी छोटी वीडियोज में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेक्चर मैंने क्लास में कराया है 1 घंटे में, उस 1 घंटे में पिछले दिन का रिकैप हुआ होगा, मैंने बच्चों से सवाल जवाब किए होंगे, मैंने कुछ और चीजों पर डिस्कशन की होगी, फिर थोड़ा सा ये बात हुई होगी सर इमरान खान गिरफ्तार हो गया है, सर नहीं हुआ, सर ये मामला है वो मामला है, पता ही लगा कि उस 1 घंटे में 35 मिनट की पढ़ाई है और 25 मिनट पढ़ाई नहीं है। उस 35 मिनट में क्या है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे ने तुमसे टोक दिया, सर वो कल के लेक्चर में ये चीज मुझे परेशान कर रही है, टीचर उसे समझा रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि एक रेगुलर लेक्चर 1 घंटे में से अगर वन साइडेड कंटेंट की बात करें तो 15 मिनट होता है। तो आप 1 घंटा जाया करने के बाद आपको पता लगे कि दरमियान के 15 मिनट्स कौन से हैं, यहाँ टीचर डेडिकेटेडली आपको छोटे छोटे सेगमेंट में लेक्चर बना के देता है, जिसकी वजह से कोई भी कोर्स तकरीबन 40-50 आवर्स के अंदर अंदर आपका कवर हो जाता है, जो कि एक रेगुलर क्लास के अंदर 100 आवर्स को क्रॉस कर रहा होता है, जिसमें आपको काम का सारा कॉन्टेंट मिलता है, सवाल के लिए अलग पैटर्न होता है, सवाल के लिए पैटर्न वगैरह और ये सारी चीजें अलग तरीके से चल रही होती हैं। तो फिर पॉइंट यही होता है, मैं जरा एक दफा
थोड़ा सा स्क्रीन पे कंफर्म कर लूं आपके क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस का हम लोगों ने एंड पे टाइम रखा हुआ है, तो आई बिलीव कि इस टाइम पे जो है वो आप लोगों के सवाल नहीं आ रहे होंगे और मैं इसको थोड़ा सा साइड। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये पुराने सेशन की होंगी नए सेशन की होंगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल डेबिट और क्रेडिट, किन चीजों को डेबिट करना है किन चीजों को क्रेडिट करना है, वो पिछले टाइम में भी वही था और इस टाइम में भी वही। हाँ, डेबिट क्रेडिट के बाद कुछ सवालों की प्रैक्टिस जो टीचर कराता है, इस सेशन में टीचर कुछ मजीद सवालों की प्रैक्टिस करा रहा होगा तो वो कुछ मजीद कंटेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ में अगर एक चैप्टर मैंने कवर कराया है, उस चैप्टर में आईकैप सेशन के स्टार्ट में कहता है कि जी तीन चेंजेस आ गई है, तो क्या होगा मैं सेशन के स्टार्ट में क्विकली उन तीन चेंजेस के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उस वीडियो को बीच में डाल दूंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बताया है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का ये रूल है और वो रूल चेंज नहीं हुआ और वो वीडियो ऑलरेडी वेल डिफाइंड बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड हुई है, तो हम जस्ट फॉर द पर्पज कि हमने अपडेट करना है, हम उसको वीडियो को चेंज करके और दोबारा से वही सारा कंटेंट रिकॉर्ड कराएं, तो हम इस तरह से नहीं कर रहे होते। हमारी कोशिश ये होती है कि जो अप टू डेट अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स बने हुए हैं वो प्रिवेल करें और जो पुराना कंटेंट है या जो रिपीट हुई हुई चीज है वो खत्म हो जाए। तो आपको हर दफा इसमें नए कॉन्टेंट्स मिलते हैं और कुछ बहुत अच्छे पहले से रिकॉर्ड हुए हुए लेक्चर, अगर वो अभी भी वैलिड है तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड हुए हुए हैं तो हम बिला वजह उसकी रिप्लेसमेंट देके खाम खास वैल्यू प्रेपोजिशन को जाया ना। तो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स यानी कि अब आपको एक वीकली स्केड्यूल मिला, मैं आपसे कहूंगा कि ये 7 दिन का टारगेट है, आपने यहाँ तक पढ़ा है। हो सकता है आप 3 दिन में वो टारगेट पूरा कर लें, हो सकता है 2 दिन में पूरा कर लें, हो सकता है 6 दिन में पूरा करें। हर बच्चे का अपना अपना एक पिक लेवल है, हर बंदे का अपना अपना एक पैटर्न है। तो जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो पहले से बने हुए हैं और आप जब पोर्टल ओपन करेंगे तो किसी सब्जेक्ट में आपको 500 वीडियोस नजर आ रही होंगी, तो किसी में 150 वीडियोस नजर आ रही होंगी, तो कहीं 90 वीडियोस नजर आ रही होंगी। हर टीचर ने अपने अपने हिसाब से कि एक स्टूडेंट को एक सेटिंग में कितना पढ़ना चाहिए उसने वीडियोस को तोड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चैप्टर को तकरीबन 7 से 8 वीडियोस में तोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि एक स्टूडेंट एक सेटिंग में 8-10 मिनट की सेटिंग में पूरा कॉन्सेप्ट पकड़े, देखे और उसके बाद आगे चले। तो ये बिट साइज लर्निंग है, जिससे आपका टाइम बचता है और टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। अगर आपको चीज समझ आ रही है तो आप बड़े कम टाइम में फ्री हो जाते हैं। एट नियर पीयर लोग ये कहते हैं कि हम बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम बड़े कम टाइम में चीजों को कंप्लीट कर चुके होते हैं। सेकंड थिंग इसमें क्या होगी जी, 24/7 एक्सेस टू टीचर होता ये है कि आपका टीचर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है और ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स के व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं है, जो ज्यादातर एडमिन ओनली मोड पे लगा हुआ हो या इसका मकसद सिर्फ बच्चों का अनाउंसमेंट्स करना हो। क्योंकि वी बिलीव कि अगर आपने कॉन्टेंट देख लिया तो आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए टीचर और टीचर की टीम के साथ। तो क्या होता है कि टीचर की टीम वहां पे मौजूद होते हैं और आप रात 3 बजे भी आपने फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो देखी और आपको कंफ्यूजन आई तो आप जो है वो उस टाइम पर सवाल को पुट कर देते हैं। लास्ट सेशन हमने एक दो ग्रुप में एक तजर्बा किया था कि हम व्हाट्सएप को 3 से 4 घंटे के लिए दिन में ओपन करते थे, सारे स्टूडेंट्स एक दफा सवाल पूछ लेते थे और फिर शाम में हम एक दफा ओपन करके सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर करने की कोशिश कर रहे होते। तो अभी हम इस दफा भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ट्राई करेंगे क्योंकि हर टाइम पे जब सवाल आ रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स कई दफा इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। बट अगेन एट एनी गिवन टाइम जब भी आपको परेशानी होगी, जब भी कोई कंफ्यूजन होगी, आप फौरन से ग्रुप में आके सवाल पूछ सकते हैं। समटाइम हमारे टीचर्स जो है इंक्लूडिंग मी व्हाट्सएप पे बहुत तेज नहीं होते और समटाइम जो टीचर्स के साथ टीम होती है वो बहुत तेज होते हैं, वो हर नोटिफिकेशन पे फौरन से आके रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो आपको हम टीचर्स से हम बात करते हैं, हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो है 48 आवर्स, 2 दिनों के अंदर टीचर रिप्लाई करे। लेकिन बड़ा कम ऐसा हुआ है कि किसी टीचर ने रिस्पॉन्स देते हुए टाइम लगाया हो या टीचर की टीम मेंबर्स ने देर किया। तो एक व्हाट्सएप में आप टीचर के साथ मुसलसल कनेक्टेड होते हैं और आपको पता होता है कि हाँ भाई मैं यहाँ सवाल पूछूंगा और टीचर या टीचर की टीम मेंबर्स मुझे फौरन से जवाब देंगे, तो आपको ये फील नहीं होता कि आप अपने घर बहुत दूर बैठे हुए हैं और टीचर आपका किसी दूसरे शहर में है और आप अगर वो सामने होता तो आप पता नहीं उससे कितने सवाल पूछ लेते। सवाल पूछने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है, इसका एक अल्टरनेट है लाइव सेशंस, मैं उस तरफ भी आता हूँ। लेकिन मैं पहले भी तीसरा फीचर बता दूं, तीसरा फीचर है हमारा वीकली टेस्टिंग। वीकली टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग रिजल्ट के बाद जरा थोड़ा सा एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे आ जाते हैं और रिजल्ट से पहले एक दो टेस्ट ले रहे होते हैं जिसमें आपका जो स्केड्यूल है वो सिंक हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वीकली स्केड्यूल दूंगा तो वीकली स्केड्यूल के राइट पे लिखा आ रहा होगा कि कौन कौन से वीक के एंड पे टेस्ट है और वो टेस्ट का क्या टॉपिक है।
तो होगा ये कि आपने फॉर एग्जांपल एक हफ्ते का टारगेट 3 दिन में कंप्लीट कर लिया, आपने एक दो दिन तैयारी करके उसके टेस्ट को ग्रिप में कर लिया, और फिर आपने जो टेस्ट की ड्यू डेट है उस पे उस टेस्ट को देना है। टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा होता है, एक सेपरेट हमारी स्पेसिफिक टीम है test.cnurse.net। ये पोर्टल पिछले बड़े अरसे से लोगों के टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, और तकरीबन ऑन एवरेज हर सेशन 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोग मार्केट से ज्वाइन करते हैं। फिर नियर पीयर ने भी आउटसोर्स कर दिया अपना टेस्टिंग का फंक्शन इस वेबसाइट को, कि ये वेबसाइट जहां टेस्ट कंडक्ट कर रही है वहां नियर पीयर के तमाम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग प्रोवाइड करती है। यानी आप जो भी फीस भरेंगे ये पोर्टल वाले जो है वो 2,000 ले रहे होते हैं टेस्ट सेशन का, लेकिन जब आप नियर पीयर के थ्रू जा रहे हैं तो आपका हर एडमिशन ऑटोमेटिकली टेस्ट सेशन में भी एडमिशन है। तो यहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे टेस्ट मिलते हैं, और एक डेडिकेटेड टीम जो कि आपके साथ कनेक्टेड होती है, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आपके टेस्ट चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके टेस्टों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से चीजें। तो वीकली टेस्टिंग सिस्टम, तो एक ये है कि आपकी साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट है। नंबर 3, आपने वीकली जो पढ़ा आप उसको टेस्ट में दे रहे हैं। नंबर 4, जो मुझे सबसे मजे का फीचर लगता है, वीकली लाइव सेशन। वीकली लाइव सेशन का मतलब क्या है? देखिए, एक पूरा हफ्ता अगर मैं फिजिकल कॉलेज में क्लास पढ़ा रहा हूँ तो हर क्लास के दौरान बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं उन्हें जवाब देता हूँ। कई दफा सवाल पे बच्चे भी हंसते हैं, कई दफा क्या होता है कि वो रिपीट हो रहा होता है सवाल। समटाइम मेरे पास टाइम कम होता है, मुझे पता होता है मैं घड़ी देखता हूँ, 10 मिनट का टाइम रह गया है, लेक्चर 8 मिनट का रह गया, बच्चा अचानक से सवाल पूछना शुरू करता है, तो मैं समटाइम उसको बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं कर पाता। कम टाइम होता है, जल्दी जल्दी जवाब देना होता है। तो फिर इसका हमने एक बड़ा मजे का टूल निकाला, रादर देन के हर दिन हर सवाल हर क्लास में सवाल हो रहा हो, क्लासेस अलग चल रही है आपके पेस पे, आप रात 2 बजे पढ़ते हैं, आप सुबह में पढ़ते हैं, आप दोपहर में पढ़ते हैं, आप 1.5 पे करके पढ़ते हैं, 1 पे करके पढ़ते हैं, आप अपने पेस को डिफाइन करें। मैं एक वीकली स्केड्यूल दूंगा कि भाई ये वीक है, इस वीक का टारगेट है, आपने इस वीक का टारगेट पूरा करना है। हो सकता है आप एक दिन में पूरा कर लें, हो सकता है आप हर दिन 10-10 मिनट पढ़ें और पूरे हफ्ते। बट पूरे हफ्ते के बाद मैं आपके साथ एक टाइम रखूंगा कि हाँ भाई ये एक लाइव सेशन का टाइम है। अगेन टीचर टू टीचर वेरी करेगा, कुछ टीचर बिलीव करते हैं कि उन्हें हर हफ्ते स्टूडेंट्स के सामने आना चाहिए, कुछ स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि उन्हें कुछ टीचर्स के उन्हें हर 2 हफ्ते में एक दफा रखना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। मैं थ्योरी के सब्जेक्ट्स में चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करूँ, तो वीकली बेसिस पे मैं आपके सामने दूंगा, और लाइव सेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो इश्यूज होंगे, उसको डील कर रहूंगा। तो बजाय इसके कि हर दिन क्लास में 7-8 मिनट सवाल जवाब हो जैसे फिजिकल क्लास में होता है, आपको एक डेडिकेटेड दिन मिल जाएगा और 1 घंटे का सेशन होगा। उस 1 घंटे में, उस पूरे वीक में आपने जितना पढ़ाया, जितने स्टूडेंट्स जिनको क्यूरी दूंगी वो आएंगे और लाइव सेशन में सवाल पूछेंगे। सम टाइम लोग कहते हैं जी मैं व्हाट्सएप पे सवाल पूछता हूँ, सवाल आगे चला जाता है, बाद में सवाल का मतलब नहीं पता लगता। अच्छा, टीचर जवाब दे देता है रात 1 बजे, फिर आपको अगले दिन पता लगता है कि नहीं, इसमें ये वाली बात मुझे दोबारा पूछनी चाहिए थी, तो वो व्हाट्सएप पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं खुद मानता हूँ कि व्हाट्सएप पे ना चीजें थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप पे टीम मेंबर्स एक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, और मैं हर हफ्ते आपके सामने लाइव सेशन में हूँ, और जो जो आपके प्रॉब्लम हैं उस पूरे हफ्ते पढ़ने से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन किताब में, कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, आप आए अपना सवाल लेके आए, आप कहें सर ये मुझे कंफ्यूजन है, मैं उसी वक्त आपको इसी तरह से कैमरा ऑन करके आपसे बात कर रहा हूँ। ओरिएंटेशंस ज्यादातर इस तरह से होती हैं कि इसमें आपका माइक म्यूट हुआ हुआ होता है, हम उस पोर्टल पे करते हैं जिसमें डिस्टॉर्शन कम से कम हो। जैसे ये हमारे आज जो रजिस्ट्रेंट थे वो 150+ थे, तो जब हमने सेशन स्टार्ट किया तो 100+ लोग मौजूद थे। अब हम इतने सारे लोगों का माइक ओपन कर देंगे तो गड़बड़ होगी। उसमें क्या होता है, उसमें तकरीबन 30, 32, 35 लोग एक टाइम पे लाइव आते हैं, तो हम जूम या गो टू मीटिंग टाइप के सेशन पे कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, आपके माइक ओपन होते हैं, तो हर वो जो लाइव सेशन है उसमें आपके जो सवाल होंगे वो आप टीचर से पूछ सकेंगे, आपके माइक भी खुले होंगे, टीचर का माइक भी खुला होगा, टीचर का एडिशनली कैमरा इसी तरह से होगा और टीचर आपको सवालों के जवाब दे रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये वीकली लाइव सेशन है, जो वॉइस डिस्कशन सेशन है, 2-वे डिस्कशन सेशन है। इसके बाद वो जो टीचर के साथ एक फिजिकल सेंस चाहिए थी ना, वो बिल्कुल उसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है। यानी कि आपको एक्चुअल क्लास में भी टीचर का इतना पर्सनलाइज टच नहीं मिलता जितना यहाँ आप टीचर के साथ पर्सनली सारे सवाल पूछते हैं, वो आपके सामने है, आपके सवालों के जवाब दे रहा है, तो आपको लगता है कि देयर इज समवन, कोई मेंटोर है जो मेरे साथ साथ है। मैं हर हफ्ते अपने मेंटोर के साथ जाता हूँ, उससे पूछता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ और मैं आगे लेके चलता हूँ। तो आपको टीचर मुसलसल साथ नजर आ रहा होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको टीचर बहुत दूर नजर आता है, खासतौर पे जब आप एक कॉलेज की ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो दिस डज हैपन कि एक्चुअल क्लास में सवाल जवाब हुए होते हैं तो टीचर समझते हैं कि बस उन सवाल जवाब से सबका आंसर हो गया होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं दे रहा होता। यहाँ व्हाट्सएप भी और लाइव सेशन भी आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, टीचर साथ एक एडिशनल कनेक्ट
एडिशन टू दीज और पांचवी चीज होती है माइंड मैप्स हैंडआउट्स वगैरह। अगर टीचर की कोई बुक है वो आपको सॉफ्ट में मिल रही होती है, टीचर के हैंडआउट्स हैं वो आपको सॉफ्ट में मिल रहे होते हैं, टीचर अपने लेक्चर में स्लाइड यूज कर रहा है, वन नोट पे कुछ लिख रहा है, वो सारी चीजें टीचर आपको सॉफ्ट में अवेलेबल कर देता है। ज्यादातर आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के जो वो है डिस्क्रिप्शन है उसमें आ रहा होता है वो लिंक, नहीं तो आप जब नियर पीयर पे किसी कोर्स में जाते हैं तो आप उस कोर्स के जो मेन एरिया है जहाँ कोर्स का नाम लिखा है वहां देखते हैं, तो वहां आपको एक फाइल की अटैचमेंट नजर आती है गूगल ड्राइव का लिंक होता है, आप उसको क्लिक करते हैं और आप एक फोल्डर में पहुंच जाते हैं जहाँ टीचर का सारा स्टडी मटेरियल यूज होता है। तो हर वक्त आपको टीचर के सारे स्टडी मटेरियल की भी एक्सेस होती है, आप जो है वो लेक्चर अपनी पसंद से देख सकते हैं। तो ये रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इस तरह से है कि हमने आपको एक वीकली स्केड्यूल दे दिया कि आपने इससे आगे पीछे नहीं होना। फ्लेक्सिबल इस तरह से है कि वीक पूरे में आप एक दिन पढ़ें, 10 दिन पढ़ें, 7 दिन पढ़ें, कम पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, रात में पढ़ें, सुबह में पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। हम जो लाइव सेशन करेंगे ना वो एक डेडिकेटेड टाइम होगा पूरे वीक का, जिसमें फलाना टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इस दफा लॉ का मैंने एक स्पेसिफिक टाइम 5:30 का रखा है रमजान में, और रमजान के बाद 6:30 टाइप का टाइम रखा है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में वीकली लाइव सेशन एक रिजिड टाइम पे होता है, उस टाइम को फॉलो करना जरूरी है, बाकी पूरा हफ्ता अपने तरीके से पढ़ें कोई मसला नहीं, और टीचर के हैंडआउट तक आपकी कनेक्टिविटी है। तो बेसिकली ये सारी चीजें मिलके नियर पीयर की कंप्लीट प्रोडक्ट बनती है, जो नॉर्मली आपको जो है वो बड़े डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही होती है। इनकी फेस प्राइस 12,000 है, जो कि आज से पता नहीं कितने साल पहले सेट हुई थी, और अभी भी हम हर सेशन में कोशिश करते हैं कि जो लोग शुरू के 1-2 वीक्स में आए हैं उनको डिस्काउंट दिया जाए। तो इस वक्त गालबन ये 9,000 टाइप की कुछ फीस चल रही होगी पर सब्जेक्ट की, इंक्लूडिंग इसमें आपको ये टेस्ट सेशन भी मिल जाता है, आपके लेक्चर्स की एक्सेस पेपर वाले दिन तक होती है, टीचर के साथ लाइव सेशन तकरीबन 16-17 लाइव सेशन आपके हो जाते हैं, इसी तरह से व्हाट्सएप पे आपके सवाल जवाब पेपर की रात तकरीबन 2-3 बजे तक चल रहे होते हैं, और हैंडआउट्स और वो सारी चीजों की एक्सेस आपको मुसलसल होती है। तो दिस इज ऑल द थिंग जो फॉलो हो रही होती है। स्टूडेंट ने पूछा सर सिलेबस स्केड्यूल, टेस्टिंग स्केड्यूल, व्हाट्सएप एक्सेस वगैरह कब तक मिलते हैं? हर सब्जेक्ट की एक ओरिएंटेशन होगी, मैं भी आगे आपको एक वो डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा आ रहा होगा कि हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी कब कब ओरिएंटेशन होगी, और उस ओरिएंटेशन में वो टीचर का क्या मोड है, वो लाइव ओरिएंटेशन कर रहा है। समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें बस ओरिएंटेशन भी उसी तरह से रिकॉर्डेड मिल जाए, हमें पता लग जाए। तो आज इज द ऑफिशियल स्टार्ट, बहुत सारे लोग नियर पीयर को 10-8 दिन पहले ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ओरिएंटेशन इज द ऑफिशियल स्टार्ट, जिसमें टीचर आपको एक पैटर्न, एक डायरेक्शन दे रहा होता है। तो हम इसी तरह से आपको ओरिएंटेशन, हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन होगी, आज मैं उसका पूरा प्लान आपसे शेयर कर रहा हूँगा, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप और हम लोगों ने मुख्तलिफ चीजें बनाई हुई, आप उन्हें ज्वाइन करें, वहां आपको हर ओरिएंटेशन जब होगी उसका लिंक आएगा, रादर देन कि हम पब्लिकली बार बार लिंक भेज रहे हो, हमने कुछ ग्रुप बनाए हैं उसको लोग ज्वाइन करते हैं, जहां जहां ये हमारे आज के वेबिनार का लिंक शेयर हुआ है वहां वहां उन ग्रुप्स का लिंक शेयर हुआ था, आप उसको ज्वाइन करें और वहां पे आपको सारे लिंक्स आ रहे होंगे। तो दिस वाज वीकली स्केड्यूल। यहां से नेक्स्ट आइटम की तरफ जाएंगे तो यहां पे हमें एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। मैं एक दफा जो जितनी बातें की हैं मैं एक दफा सामने आपको स्क्रीन पे दिखा दूं, क्योंकि पहले मैं हवा में बात कर रहा था, यहाँ थोड़ा सा उस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ कस्टमाइज और स्क्रिप्टेड क्लास रिकॉर्डिंग है जो आपका टाइम सेव करेगी। कोर्स कवरेज प्लान जो है वो लाइव सेशंस के साथ सिंक हुआ हुआ होगा। वीकली या फोर्टनाइटली, यानी 2-2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद लाइव सेशन होंगे। सेल्फ पेस्ड लर्निंग आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। फ्री टेस्ट सेशन है जिसमें नॉर्मली 2 क्लास टेस्ट, 12 पोस्ट वीकली टेस्ट होते हैं जो आपकी क्लास के साथ तरतीब से सिंक हुए होंगे। 24/7 व्हाट्सएप एक्सेस है। वेबसाइट्स, दोनों वेबसाइट पे स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से आपको चीजें प्रेजेंट की जाती हैं। कंप्लीट सपोर्ट है आपको जो बैकएंड पे काम कर रही होती है। मैं अपनी हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन बताता हूँ कि सब्जेक्ट की रेलेवेंट टीम कौन सी है जो जिससे आप रब्ता कर सकते हैं। तो वो लोग जिनका थोड़ा सा वर्क रूटीन है, कुछ आर्टिकल्स कर रहे हैं, कुछ रीटेक कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके पास रीजनेबल इंटरनेट है, कुछ लोग जो तेजी से पढ़ना चाहते हैं, जो डेली टारगेट को फोकस नहीं कर पाते लेकिन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल पैटर्न चाह रहे हैं, टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं लाइव सेशन में लेकिन वो फिजिकली क्लास में आके नहीं बैठना चाहते, उन सबको बड़े अरसे से नियर भी बड़ा अच्छा साफ कर रहा है। बल्कि इस दफा हमने कुछ डाटा शेयर किया कि इतनी एनरोलमेंट फलाना फलाना सब्जेक्ट में, मुबारकबाद देते हैं, तो स्टूडेंट्स वर वेरी वेरी सरप्राइज्ड। अब वो पिछले 2-3 सेशंस का डाटा था, यानी नई स्कीम आने के बाद से हमने जो है वो काउंटर मैयर काउंटर स्टार्ट किया था,
तो वी वर वेरी हैप्पी कि वो अमाउंट्स थाउजेंड्स में थी। हम लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पिछले कुछ सेशंस में बड़े अच्छे तरीके से सर्व किया है। तो ये ओवरऑल नियर पीयर का पैटर्न है कि क्या है, चीजें किस तरह से चलती हैं। आगे जाने से पहले अब हम जो है वो एक 15 मिनट की नमाज ब्रेक करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि फिर जो है वो आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद फिर हम आएंगे कि हमारी फैकल्टी क्या है, हमारे इस दफा वो सेशंस किस तरह से हो रहे हैं, और फिर फीस और बाकी सारी चीजें। तो एक नमाज ब्रेक की तरफ चलते हैं। आज थोड़ा सा हमारी प्लानिंग आउट हुई है, वो डिवाइस हैंग होने की वजह से। 5:20 मेरे पास हो रहे हैं, 5:19 हो रहे हैं, वैसे 5:35, 5:30।